खराब है और आप जांच कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जांच नहीं हो पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? 14 तारीख को जो मैं मेरी तबीयत खराब, इसके पहले 12 तारीख को मैंने एसडीओ को फोन किया कि मुझे एक भय पैदा हो गया है, मेरा जांच करा दीजिए, हमको बुखार आ रहा है। एसडीओ ने कहा कि 3 दिन के बाद आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। 16 तारीख को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मेरी जिम्मेवारी नहीं है, डीडीसी की जिम्मेवारी। मैंने डीडीसी से बात किया, डीडीसी ने कहा कि जो कि ब्लॉक का हेल्थ सेंटर है उसमें जाइए, अपना जांच कराइए। मैंने कहा कि मैं एक एमएलए हूँ, 14 से मेरी तबीयत खराब है, हम जाने में असमर्थ हैं, फिर लाइन से कैसे हम जांच करा सकते। फिर इसके बाद मैंने एसडीओ से बात किया, एसडीओ ने कहा कि उन्हीं की जिम्मेवारी। तब मैंने उनसे बात किया कि भाई कम से कम आप मेरी जांच तो करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने इस पर कोई भी जवाब मुझे नहीं दिया। और जो कोरोना से भय पैदा हो गया है, दिन पर दिन बक्सर में कोरोना फैल रहा है, न डॉक्टर किसी का नाड़ी देख रहा है, न डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहा है, और न प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है कि कैसे लोग जिंदा हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। जब मेरे साथ, मैं एक एमएलए हूँ, जब मेरे साथ प्रशासन का व्यवहार इस तरह का है, आम जनता के साथ व्यवहार क्या हो सकता है? इस पर सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए और इस पर एक्शन लेनी चाहिए। यदि जनता का प्रतिनिधि का जब ये उपेक्षा है, जनता प्रतिनिधि अपने घर में आज 14 तारीख से बीमार है और उस पर देखने वाला प्रशासन नहीं है, तो फिर किसे अपनी गुहार लगाया जाए? लगता है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह है इस कोरोना संक्रमण के दौर में। इसलिए हमको लग रहा है यहाँ के प्रशासन सरकार के वफादारी में है, सरकार का वफादारी दिखा रहा है कि नहीं, जिला में मैं बहुत सक्रिय हूँ, लेकिन सच्चाई है कि जमीन पर कहीं भी प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। इसलिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस जिले के प्रशासन को इस तरह का निर्देश दें कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को, मेरी बात छोड़िए, लेकिन आम जनता भी जिसे त्रस्त है, उसको तो किसी तरह का संतोष नहीं है, उसका बाल बच्चों पर हॉस्पिटल में घूम रहा है, औरत और लड़का लेकर कोई डॉक्टर नाली नहीं देख रहा है, कोई डॉक्टर किसी मरीज को पकड़ नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा जनता को? इसलिए सरकार तत्काल यदि एक्शन नहीं लेती है तो इस पर मजबूरी में मुझे अनशन पर बैठना होगा।